आई भाई सामने लोगों, दिन का शुरुआत करते हैं पेट्रोल पंप से। शहर के अंदर दो पेट्रोल पंप है और शहर के आसपास बाहर तीन या चार है। अभी मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ, एक बार रेलवे स्टेशन दिखा के लाता हूँ आपको। ये है हमारा धर्मनगर रेलवे स्टेशन, उधर गेट दरवाज़ा है लेकिन अंदर घुस नहीं सकते, बंद है। कोरोना के वजह से कुछ स्पेशल ट्रेन के अलावा और कोई ट्रेन चल नहीं रहा है यहाँ पे। ये बीच में रेलवे लाइन है, मैं रेलवे लाइन का राइट साइड से आया तो अभी मैं लेफ्ट साइड में हूँ, तो ये जो साइड है इसमें पहले कभी आया नहीं, मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। तो ऐसे मैं कैमरा एंगल सेट करता हूँ ऐसे ऐसे करके, क्या मस्त आया भाई ड्रोन शॉट्स, मज़ा आ गया। एक्चुअली सनराइज अभी हुआ नहीं है, हो रहा है और क्लाउड्स है, क्लाउड्स की वजह से थोड़ा डार्क है। फिर मतलब ये जो टाइम है ना, ये टाइम फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए बेस्ट माना जाता है, गोल्डन आवर बोलते हैं। मतलब सनराइज़ के थोड़ा देर बाद और सनसेट का थोड़ा देर पहले का जो टाइम है, मुझे शॉट्स लेके बहुत ही अच्छा लगा। सबसे बेस्ट लगा वहाँ पे एक कंपार्टमेंट रखा हुआ है टूटा फूटा, उसका जो ड्रोन शॉट दिखाया थोड़ा देर पहले वो वाला शॉट, मज़ा आ गया। तो ये जो मेरे पीछे देख रहे हो आप लोग, यही हमारा स्टेशन है। मेन गेट जो है वो दूसरा साइड में है लेकिन वो बंद है, इसलिए मैं और एक साइड में आ गया। मतलब थोड़ा आवाज़ आएगा क्योंकि उधर कुछ काम चल रहा है, तो कुछ समय कुछ टाइम बाद खड़ंग खड़ंग करके आवाज़ आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये जो स्टेशन है ये त्रिपुरा का सबसे पुराना स्टेशन में से एक स्टेशन है। 1964 में पहला रेल आया था आसाम के कोलकलीघाट से धर्मनगर। तो पहले ये मीटर गज था, रिसेंटली ये ब्रॉड गज किया हुआ है। अब मीटर गज क्या है, मीटर गज मतलब रेल का जो पटरी होता है दोनों लाइन का डिस्टेंस है 1 मीटर। अब ब्रॉड गज में 1.6 से 1.7 मीटर के आसपास होता है शायद, तो वो साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है। और मीटर गज में क्या होता है, जैसे आपने अगर ट्रेन में सफ़र किया है कभी भी तो आपने नोटिस किया होगा कि साइड बर्थ साइड अपर साइड लोअर रहता है, लेकिन मीटर गज में विड्थ छोटा होता है, इसका वजह से साइड अपर साइड लोअर नहीं रहता। और दार्जिलिंग में जिस टाइप के ट्रेन होते हैं छोटा छोटा टॉय ट्रेन बोलते हैं, शिमला में भी है, तो उस वो मीटर गज से भी छोटा होता है, 0.6-0.7 मीटर के आसपास होता है वो, ठीक है। ये है बेसिक डिफरेंस। पहले हमारे अगरतला में रेलवे स्टेशन नहीं था और ये रेलवे स्टेशन बनने का 30 साल बाद वो बना, मतलब 30 साल से भी ज़्यादा लग गया अगरतला रेलवे स्टेशन बनने में। अब 180 किलोमीटर बाई रोड है, ठीक है, अब ये बनने में 30 साल क्यों लग गया वो मुझे पता नहीं। तो जब रेलवे स्टेशन नहीं था तब बहुत दिक्कत होता था, मतलब बाई रोड ट्रेवल करने में 6-7 घंटा या उससे भी ज़्यादा लग जाता था कभी कभी। तो बाद में जब ट्रेन आया उस टाइम बहुत आसान हो गया ये सब, बाद में 3.5-4 घंटा लगता है। और जब अगरतला रेलवे स्टेशन बना उस टाइम सबसे पहले मीटर गज बिछाया गया, उसके बाद उसको ब्रॉड गेज में अपग्रेड किया गया 2016 में। एक RPF का जवान आया, परमिशन मांगा क्योंकि ये जो है ये रेलवे के अंडर में आता है, और DSLR से कर रहा हो तो नज़र में आ गया, मोबाइल से करने से उतना नज़र में नहीं आता। तो उनके साथ थोड़ा बातचीत हुआ तो बाद में डिसाइड किया कि हाँ चलो 15-20 मिनट है उसके अंदर वीडियो करके निकलूंगा। तो मैं क्या बोल रहा था, 2016 में ये मीटर गज ब्रॉड गेज में शिफ्ट किया गया। तो जब मीटर गज था उस टाइम जब हम लोग आसाम में ट्रेवल करते थे, गुवाहाटी जाते थे, उस टाइम लामडिंग तक जाके हमको ट्रेन चेंज करना पड़ता था क्योंकि लामडिंग तक मीटर गज था, फिर लामडिंग से गुवाहाटी ब्रॉड गज। बाद में ये जब ब्रॉड गज में चेंज हुआ तब जर्नी थोड़ा स्मूथ हो गया, आसान हो गया। अभी डायरेक्ट ट्रेन भी आ गया कोलकाता तक, बेंगलोर तक, दिल्ली तक। तो लास्ट कुछ सालों में जो डेवलपमेंट हुआ है ये 30-40 साल तक ये डेवलपमेंट नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। तो ये था एक छोटा सा स्टोरी, आई होप आपको सुन के अच्छा लगा होगा। और ख़त्म करने से पहले मैं और एक चीज़ बोल दूँ, इसका 3 प्लेटफॉर्म है सिर्फ और 4 लाइन्स है।
और मेरे पीछे जो उधर एक ट्रेन देख रहे हो वो इंडियन ऑयल के लिए है, वो पैसेंजर के लिए वो लाइन नहीं है। तो अभी सबसे ज़्यादा मेहनत का काम जो मुझे करना होगा वो है ये सब मुझे एक एक करके निकालना होगा। इसका नाम एक्चुअली मुझे पता नहीं क्या बोलते इसे, हिंदी में भी पता नहीं, बंगाली में भी पता नहीं, लेकिन मणिपुरी में इसको बोलते हैं पहारा। किसी को अगर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं दिखाता हूँ कहाँ से लगा है ये सब। तो अभी कोरोना के टाइम में ज़्यादा दूर नहीं जा सकता मैं, लंबा लंबा ट्रिप नहीं मार सकता। आप लोगों ने बहुत लोगों ने कमेंट किया कि नॉर्थ ईस्ट राइड करो, अभी मैं नॉर्थ ईस्ट में हूँ तो नॉर्थ ईस्ट राइड करो, टाइम है मेरे पास, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता ये बाहर जाने का टाइम है, क्योंकि रीज़न पता है आपको। घर के तरफ जाने से पहले एक बार सामने जाके देख के आते क्या है, और कोई अगर अच्छा जगह मिल गया तो बाद में कभी आके ड्रोन शॉट लूँगा। ये पटरी बराबर सीधा चले जाने से पहुँच जाएंगे आगरतला, और पीछे की तरफ जाने से पहुँच जाएंगे आसाम। ये धर्मनगर का जो मेन मार्केट है उधर जाने का रास्ता है, लेकिन मार्केट तो नहीं जाऊंगा, देखते यहाँ पे मिलता है कि नहीं। अगर यहाँ पे मिल गया तो अच्छा बात है। हट जा भाई, हट जा हट जा। ये एक्चुअली होलसेल मार्केट है, बाहर से जो सामान आता है यहाँ पे अनलोड होता है सब। जो सामान लेने आया था वो तो मिला नहीं, अब मछली खरीद के लेके जाता हूँ, बहुत मन कर रहा है खाने का। तो मार्केट में आया और मेरा एक दोस्त के साथ मुलाकात हो गया है, अरुणांशु बचपन का दोस्त है, 15 साल से भी ऊपर है। 15 साल तो अभी एक्चुअली फेस दिखा नहीं सकते, भीड़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, निकला था कुछ और खरीदने, मछली खरीद के अभी घर जा रहा हूँ। ओ ना ना, वीडियो कर रहा हूँ, यूट्यूब आईबो आईले आईले किच्छू ना खाली आईबो खाली देख बा देखा दे मानसा देख बा जी। ठीक है सर, तो मैक्सिमम लोग मुझे समझ रहे हैं कि मैं रिपोर्टर हूँ। चलो अब घर जाते हैं। तो गाइज आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। एक्चुअली कोरोना का टाइम पे ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, ज़्यादा लंबा ट्रिप में नहीं जा सकता, मुझे भी मन है नॉर्थ ईस्ट राइड करने का। आप लोगों ने बहुत लोगों ने कमेंट किया एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट राइड करो, नॉर्थ ईस्ट राइड करो, घर बैठे क्या करोगे, लेकिन इस टाइम घर बैठना ही सेफ है। तो ये ब्लॉग आई होप अच्छा लगा होगा आप लोगों को, मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज। अगर सच में अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दें, मिलते हैं अगले वीडियो पर।